सो वेलकम फ्रेंड्स इन माय व्लॉग सूरज दा व्लॉग एंड विथ मी आई एम इन इको पार्क एंड और मेरे साथ है रंजीत गौतम। इको पार्क जो है ना वो बहुत दिन बाद खुला है, करीबन हो सकता है 6 से 7 महीने या फिर पूरा लॉकडाउन के बाद, हो सकता है 1 साल हो उसके बाद ये इको पार्क खुला है और हम जो है ना उसके पहले कस्टमर है। देखिए दूर तक कोई नहीं है और हमने पूरा टेस्टिंग पास करके, हमारा जो माथे पे टेस्टिंग वेस्टिंग किया, मास्क लगाओ बोले, अब फिर भी व्लॉग बना रहे इसलिए थोड़ा सा केयरफुल है और सोशल डिस्टेंसिंग तो है। तो चलो इको पार्क के अंदर। पार्क का ये जो झूला है, मैं झूल रहा हूँ इधर तो वो भी झूल रहा है, तो उसके लिए पीछा है कि यूज ऑन स्विंग एंड नोटिस द सेकंड स्विंग स्विमिंग विदाउट एनी इफेक्ट मेड बाय WCL वर्कमैन नोट द पर्सन सिटिंग ऑन द सेकंड स्विंग शुड नॉट टच द ग्राउंड व्हाई द प्रिंसिपल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉफ द। चलो इसके पीछे ये साइंटिफिक सिस्टम है कि मैं झूल रहा हूँ तो ये झूला जो है वो भी झूल रहा है। देखो चालू हो गया तो इसका जो शाफ्ट है ये एक ही डंडे से जुड़ा हुआ है इसीलिए, और पीछे में मस्त सौंदा म्यूजिक लगा है। चलो चलते वापस। बाय बाय गोस्ट झूला। इतने बड़े पार्क में सिर्फ 2 ही जन है, एक वहां पे। ओए हाय देयर, हाय 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 हाय, चलो कोई तो है। ये है इको पार्क का झूला, ये जो पीछे में झूला दिख रहा है ये है। यहाँ से हम सीधे वहाँ जाते थे, वहाँ अभी 1, 2, 3 झूले बन गए, एक
रोप वे है और दूसरा वॉकिंग वे और तीसरा भी वॉकिंग वे है। और ये जो नाला दिख रहा है इसके ऊपर मस्त एक ब्रिज बना हुआ है, मस्त सुंदर नेचुरल, इसीलिए इसको इको पार्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें यूज की गई है पूरी नेचुरल चीज़ें है, यानी नेचर को ध्यान में रखते हुए ही। चलो ये झूले पे बैठता, बहुत दिन हो गए झूले पे नहीं बैठता, हाँ तो झूले पे ब्लॉगिंग करते हैं अपन। तो नेचर नेचर के साथ साथ गाट करते हुए, गिर विर गया तो गया, नेचर के साथ साथ गाट करते हुए इको पार्क की थीम रखी गई है श्रीमान आर्य सिंह के द्वारा, जो हमारे पूर्व सबेरिया थे, उन्होंने ही यहाँ पे इस इको पार्क की नींव रखी। और ये पहले भी अच्छा एक नेचुरल जंगल जैसे ही था, यहाँ पे जो पेड़ पौधे है ना वो नेचुरल है बहुत सारे, और कुछ कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए, जैसे ये चंदन का पेड़ है, ये जंगल में ही उगता है, ये जंगल में होता है। और यहाँ पे जो सीताफल का पेड़ है वो भी जंगली है, सिर्फ यहाँ पे कुछ बाम्बू वाम्बू के पेड़ लगे हैं वो नेचुरल नहीं है, उसको लगाया गया है। और ये जो झूला है आप देख सकते हैं एक बड़ी सी टहनी पे लगा हुआ है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सूरजदा व्लॉग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इको पार्क में आना है तो मुझसे कांटेक्ट मत करना, सीधे आ जाना सावनेर में, किसी को पूछना डब्लू सेल का इको पार्क का है। हमारे डब्लू सेल जो कॉलोनी है, मैंने देखा नागपुर में क्या होता है कि हर एक कॉलोनी को एक पार्क दिया जाता है छोटा सा, और उस पार्क समझ लो 200 घर 300 घर उसको एक पार्क रहता है। अभी हमारा जो डब्ल्यू सी एल है सावनेर उसका ही पार्क है, तो सोचो डब्ल्यू सी एल कितना बड़ा होगा। जो डब्ल्यू सी एल में हमारे मेरे पापा भी वर्किंग करते हैं, बेल्ट ऑपरेटर है, और हमारा ये पार्क है, तो सोचिए कि इसकी भव्यता क्या होंगी, विशालता क्या होंगी। तो कितने लकी है हम कि हमको ये इको पार्क मिला और डब्ल्यू सी एल का डब्ल्यू सी एल में रहने का मौका मिला। और यहाँ पे जो क्वार्टर्स होते हैं, यहाँ पे की जो सुख सुविधा होती है बहुत ही मस्त होती है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चस्केदार गुजरती है। तो ऐसा है हमारा इको पार्क का एक्सपीरियंस। और बहुत दिन से झूले पे बैठा नहीं था इसलिए झूले पे बैठा हूँ। तो चलिए आगे, अभी हमारा दोस्त रंजीत गौतम गया है उधर, वो भी ब्लॉक कर रहा है, चलिए चलते हैं। ये हाउस है नेचुरल ट्रीज, और जो भी अगर गेट पे सब है पीछे जाके बैठते हैं, अभी मैं नहीं जाऊँगा। ये जो ये ट्रेन का है, यहाँ से छोटे बच्चों के लिए ट्रेन जाती है, पूरा इको पार्क का एक राउंड लगाती है। और ये ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन अमेरिकन स्टाइल में, यहाँ पे छोटे बच्चे समझ लो छोटे बच्चे यहाँ पे कूदते हैं और मज़े लेते हैं। तो ये नया फीचर्स है अभी डब्ल्यू सी एल में इको पार्क में, ये ट्रैम्पोलिन का। तो उसके बाद है यहाँ पे इको जिम, ये इको जिम है हमारे डब्ल्यू सी एल के, जो सुबह सुबह यहाँ पे डब्ल्यू सी एल के लोग सुबह सुबह यहाँ पे आके अपना वर्कआउट करते हैं। और खासकर इसकी खासियत यह है कि ये जो एरिया है ये लेडीज स्पेशल है, यहाँ पे कोई भी इंसान को कोई भी मेल को अलाउड नहीं रहता वो वहाँ से। तो ये स्पेशल सेक्शन है जो महिलाओं के लिए बना हुआ सेक्शन है, लेडीज़ सेक्शन। अभी इको पार्क की ओपनिंग है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे कोई भी महिलाएं नहीं है, उनको डिस्टर्ब करने के लिए हम इसलिए नहीं आए हैं। तो ट्रेन वहाँ से जाती है, सिर्फ ट्रेन आती है यहाँ, तो ट्रेन इस बोगदे में से, ये जो बोगदा बना है डब्ल्यू सी एल के जो अंदर की टनल होती है उसके थीम के ऊपर ही बना हुआ है। तो अभी बंद है, ट्रेन भी बंद है। और ये LHD है,
जिस जो खदान के अंदर ज़मीन के अंदर कोयला उठाती है और कन्वेयर बेल्ट में डालती है। तो ये ख़राब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे रख दी गई है ताकि लोगों को समझे कि ये कैसे वर्क करती है। ये कोयला उठाती है, कोयला जो दगान होती है, जब कोयला टूट जाता है ज़मीन से तो ये उठाती है और कन्वेयर में डालती है, उठाती है कन्वेयर में डालती है। तो इसको पहले पार्ट पार्ट करके असेंबल अंदर किया जाता है इसको, और ये ऐसे ही नहीं जाती है अंदर, इसको एक एक पार्ट करके अंदर भेजा जाता है और फिर वहाँ फिर से असेंबल होती है। बहुत हेवी मशीन रहती है ये, अभी ये रिटायर हो गई है, मुझे लगता है इसने अभी 20 से 25 साल तक अपनी सेवा देने के बाद WCL से जब रिटायरमेंट मिलता है तो इसको एज अ प्रॉप WCL में यहाँ इको पार्क में रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा है ये कि हमारी जो खदान है कैसे काम करती है हमको दिखाया गया है। और ये उसको SDL भी बोलते हैं, SDL। ये है खदान के अंदर का जो छोटा सा हिस्सा समझ लो, ये कन्वेयर बेल्ट है। हमारी जो खदान है ये समझ लो खदान है के अंदर का हिस्सा है। ये पायरी है, ये बोगदा समझ लो। तो ये जो नया सिस्टम है ना अभी इंट्रोड्यूस किया है WCL में, पहले तो लोग पैदल ही जाते थे अंदर, अभी ये जो दिख रहा है ना चैन सिस्टम, इससे जाते हैं। यहाँ ऐसी एक ये लटका देते हैं बैठने की और उससे बैठते हुए नीचे चले जाते हैं और फिर उधर से ही वापस रिटर्न आते हैं। तो ये चलते ही रहता है खदान के अंदर, अभी नया सिस्टम है ताकि लोगों के जो चढ़ने उतरने की समस्या है, लोगों के पता है घुटने चले जाते खदान के अंदर, तो WCL ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे। इसको बहुत ही फायदेमंद है ये, ताकि लोगों को जो सीढ़ियाँ चढ़ के आधे तो वहीं पे थक जाते थे और उससे प्रोडक्टिविटी कम होती थी, तो ये सिस्टम के वजह से अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है। तो चलो आगे चलते, आगे में हमको दिखता है यहाँ पे पुल। चल रंजित, ये जो मस्त नेचुरल देखो कितना अच्छा पानी, ठंडा ठंडा, जब धूप काला रहता ना तो ये पानी मस्त लगता ठंडा ठंडा। पानी को रोका गया है वहां पे ताकि यहाँ पानी जमा हो सके। मस्त सुंदर लगता है, और रंजित वो एक और जगह है। ये पत्थरों से बनी है, ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है, मैन मेड है। इसको चढ़ने के लिए वहां से जाना पड़ता, थोड़ा टाइम लैप्स लगा लेता। तो ये जो अभी प्लेस दिख रहा है मेरे पीछे, ये तो ये है एक बायोडीजल में बनाने का एक प्लांट है जिसको बोलते हैं, समझ लो इसका साइंटिफिक नेम है जाट्रोफा क्यूरकस। और इसका उपयोग जो होता है प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड टू प्रोड्यूस क्वालिटी बायोडीजल फ्यूल यूज्ड इन स्टैंडर्ड डीजल इंजन, यानी दिस इज़ ए इको फ्रेंडली बायोडीजल में जनरेटर। ये है बायोडीजल जनरेटर, जो समझ लो आजकल हमारी जो समस्या है, हम जो पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं तो हम अभी बायोडीजल की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो नेचुरल सीड्स है, जो हमारे नेचर में जो भी बीज होती है, तो बीजों को यहाँ ग्राइंड वाइंड करके यहाँ पे कुछ ना, फिर ब्लॉक खराब कर रहा है तू। वीडियो देखो अभी बनाया हूँ, लंबा हो जाएगा यार मेरा ब्लॉग दिखा। चल वीडियो देख लेंगे ना फिर।
लंबा छोटा सब कुछ है। ये देखो स्लो मो क्या बी और देखो हाथ से बनाया है। सही है मुंडा सही है। चलो बारहवीं में गए तोड़ दिया आप तोड़ दिया गच्चा 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 गच्चा। चलो आप सही है मेरे ऐसा कुछ नहीं आँख में कुछ गया नहीं अगर जाता तो आप में और वीडियो बनाना। हाँ तो आगे भी जाना है हमको पर ये जगह के बारे में तो बता देते लोग आते तो पूछते यार मेरे को कुछ भी पूछते रहते यार पूछते पूछते पागल कर देते यार। तो इस क्या मस्त लग रहा है 10 रुपए में ऐसा लग रहा पूरा पैसा वसूल आ गया पूरा है जमाने में। मेरे को यही मेडिटेशन करने की इच्छा हो रही है अभी। मेडिटेशन मेरे को बहुत पसंद रहता मेडिटेशन आई लव मेडिटेशन बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। 5 रुपए 10 रुपए दीजिए घर से निकले और बाहर आइए किक द एडवेंचर। तो आइए यहाँ पे मजे लीजिए। मैं इसका स्लोमो बना हो गया ठीक है स्लोमो बना देता केव का। But you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. चलो हम वहाँ से क्या नाम था इसका जाथ्रोपा जाथ्रोपा क्यूरकस जाथ्रोपा क्यूरकस से बाहर आ चुके हैं हम। साला इतना भयंकर नाम रखा तेरा जाथ्रोपा क्यूरकस ऐसे लगता कि हड़प्पा के जमाने का पत्थर का बना हुआ केव है। और ये देखिए ये ऊपर इस पर चढ़ सकते हैं और हमको अगर एक दुनिया समझ लो 5 मिनट में कोई दुनिया घूमना है यहाँ पे अपन घूम सकते हैं। ये देखो मैं अभी गया मैं लंदन देखा पेरिस देखा सब देखा मेरी यार कहीं नहीं है दूसरा पाकिस्तान है क्या। रुक जा इंडिया पे रुक जा छोटे इंडिया पे इंडिया 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 अफ्रीका 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 ये देखो कितना सा छोटा सा इंडिया इंडिया छोटू इंडिया। बाय बाय। तो अब ये समझते भाई कि ग्रीनरी है पैसा वसूले छोटे ये बड़ा सा टेलीस्कोप है। मैं एक बार आया था मुझे याद आ गया मेरी दो दोस्त थी यहाँ पे दोस्त यहाँ मेरा हाथ पोछता है। यहाँ पे सीटिंग है बैठने की अरेंजमेंट है वहाँ पे क्या है वहाँ वहाँ गए थे क्या अपन कभी जिराफ टाइप। चलो जिराफ टाइप है झंडे झंडे यानी महाराष्ट्रीय शब्द है झंडे यानी समझ लो जीरो कुछ भी अगर नहीं है अगर तू कुछ भी नहीं है जीरो है बोल दे क्या बोल दे जीरो ग्रेविटी यानी झंड ग्रेविटी। तो ये यहाँ पे ये पीछे दिख रहा है हाँ यहाँ पे गाना गा सकते हैं यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो मैं आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ छोटे ये कैमरा पकड़ चलो मैं गाता हूँ गाना। तो ये जगह है गाना गाने की और मेरा परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए थोड़ा पैंट ऊपर कर लूँ। ओ हाँ मेरे उम्र के नौजवानों आखिर क्या था दिल लाल किसी से मैं गाना गा रहा हूँ अबे मेरे पे ही फोकस कर। हमने किसी से दिल देके कर दी रातें हराम देखो आया नहीं अभी तक उधर से कोई पयाम देखो वो हाँ कहेंगे तो मैं खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो।
तो गाओ ओम शांति ओम। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, एम्प्टी है। बनी है ना, एक से 1.5 किलोमीटर तक है जो नेचुरल है, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे वो दिया जाता है बोट पहनने का, और उसके बाद यहाँ पे नया फीचर है इको पार्क का। Trying to run up a decline. Maybe one day we'll learn the truth. Maybe we're blind by the sign. Maybe we're blind by the sign. Maybe we're blind by the sign. There's something special. Keep it in a place that's close and near and dear to our heart. WC Lico Park में एक नई चीज लॉन्च हुई है जिसे बोलते हैं WC Lico Museum, जो नया है हमारे लिए, मेरे लिए भी नया है, और मुझे लगता है अभी लॉकडाउन के अंदर ही बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फॉसिल है, फॉसिल यानी चार, मुझे लगता है ये बहुत ही पुराना पेड़ का तना है, बोलते ये 40 मीटर जमीन के अंदर मिला, जो खदान वर्कर्स खदान में काम करते हैं उनको मिला है, ये एक तना है पेड़ का, और ये पूरा फॉसाइल बन चुका है। हो सकता है ये मिलियंस ईयर्स ओल्ड हो। और यहाँ पे है हमारे डब्ल्यू सेल के वर्कर जो काम करते हैं अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड काम करते हैं। यहाँ पे एक आवाज का इको आ रहा है, क्योंकि ये जो दीवार है पूरी कर्व है, उसी चक्कर में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए सूरज दा व्लॉग को, और ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को। देख रहा भाई, मारना मत, अरे रे मेरे से भी बड़ी हाइट मुझे लगती है, 8 फीट का हूँ मैं, 9 फीट 6 फीट 3 इंच ज़्यादा नहीं, 9 फीट बोलने वाला हूँ। ये भी वही है, बहुत बड़े पेड़ का तना है, आजकल ये पेड़ पाया नहीं जाता है, ये कोई मरा हुआ पेड़ नहीं है, डब्ल्यू सी एल में जमीन के अंदर से खोद के निकाल के यहाँ रखा गया है। ये देखिए कोल, और ये है म्यूजियम, और आपने देखा होगा एक पिक्चर म्यूजियम के अंदर फंस गया बंदर, तो ये बंदर वही है जो फंस गया है यहाँ पे, ये भी मुझे लगता है फॉसाइल बन चुका है। तो इको म्यूजियम, इको माइन म्यूजियम, ये उल्टा मुझे दिख नहीं रहा, पर मैं पढ़ते पढ़ते आपको बता रहा हूँ, इको माइन म्यूजियम, ये हमारा हो सकता है कि पूर्वज हो, इसका डीएनए हमसे मिलता है क्या पता नहीं, अभी तो अभी कितना भी मिलाएंगे ना तो मिलेगा नहीं डीएनए, क्योंकि इसका डीएनए खराब हो चुका है, कोरोना हो चुका है उसके डीएनए को, यही सी बात है। ये हमारा म्यूजियम है, नया है अभी, मैंने देखा नहीं, एक दिन जाऊँगा तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, वैसे मेरे वीडियो ज़्यादा कुछ लोग देखते नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आवाज आएगी, सब्सक्राइब टू द माय चैनल सूरज द व्लॉग, लगता है लोग आने आ रहे, बहुत ही अच्छा माहौल है। कैरी मिनाटी को सब लोग जानते हैं, कैरी मिनाटी के वीडियो देखता क्या क्या है उस वीडियो में, अल्लाह अभी से सड़ रहे ना तुम्हारे दिमाग, बाद में सड़ा लेना है, बुढ़ापे में क्या मिलेगा, सड़ा लेना बुढ़ापे में, अभी मत सड़ा। तो टिकटॉक वालों को रोस्ट करते तो क्या हुआ यार, खुद को रोस्ट करके देखो, बंदे वो म्यूजियम के पूर्वज है वो, पहले कहा मना किया, कैरी मेनाटी के पूर्वज तो नहीं है ना ये, कैरी मेनाटी पता नहीं कहाँ से है, ये यहाँ से, यहाँ से क्यों, हमारा भी चैनल है, बताओ कौन सा है,
मोबाइल तो होंगे नहीं। कौन सा है? अबे मेरा पता है क्या? तो ये है आजकल की पीढ़ियों को लगा हुआ वायरस, कैरेमिनाटी वायरस। It can never happen to us. Yo, only know this. Ladki giraffe. I've been left in the dark now. I was worse that we need it. It leaves me speechless, but. We'll just have to trust now. Or that there's things bigger than us now. And maybe we'll find out, but now we're coming to that place in the tall grass. It seems like the elders have lost time. And the lessons we've learned from a long time have all but abandoned our small minds. कुछ दिखाए नहीं। तो इस तरह हमारा झूला रुक। तो
आप देख सकते हैं इको पार्क में जब राजा लोग थक जाते हैं तो कैसे बैठते हैं। ये हमारी चेयर है, यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए जब आप इको पार्क से घूम के आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आके थकते हैं बैठ सकते हैं। तो दिस इज अ बैठने की जगह है। तो आपको इको पार्क कैसा लगा, और ऐसा इको पार्क और बनना चाहिए क्या आपके आजू बाजू? आपको अगर लगता होगा तो अपना खुद का चैनल बनाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। इस चैनल पे कमेंट मत कीजिए, क्यों? क्योंकि मेरी कुछ भी वीडियो है आते हैं तो उसमें कोई कमेंट नहीं आता। सब्सक्राइब एंजॉय द लाइफ। इसका हेलो गाइस वाला फंडा है, inspired by the ones that